अमरीश पुरी बॉलीवुड फिल्मों के जाने माने एक्टर हैं जो हमें फिल्मों में ज्यादातर विलन के रूप में दिखे और लोगों ने भी इन्हें इसी रूप में पसंद किया। बेशक हमारे बीच अभी अमरीश पुरी जी ना हो, लेकिन उनकी यादें जरूर हैं। क्या आपको ये पता है कि अमरीश पुरी एक बीमा कंपनी में काम किया करते थे? आखिर बीमा कंपनी के कर्मचारी से लेकर बॉलीवुड के खलनायक बनने तक का सफर कैसा रहा? अमरीश पुरी जी भी एक लैविश लाइफस्टाइल जीते थे। तो इस वीडियो में हम आपको अमरीश पुरी जी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अमरीश पुरी जी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमरीश पुरी का फुल नेम अमरीश लाल पुरी था। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को नवन शहर पंजाब में हुआ था और इनका निधन 12 जनवरी 2005 में मुंबई में हुआ। और जब इनका निधन हुआ था तो इनकी उम्र 72 साल थी। अमरीश पुरी एक होशियार स्टूडेंट थे। इन्होंने बीकॉम किया था बीएम कॉलेज शिमला हिमाचल प्रदेश से और ग्रेजुएशन करने के बाद अमरीश पुरी मुंबई चले गए एक्टर बनने के लिए, लेकिन अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में ही फेल हो गए और इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद अमरीश पुरी बीमा कंपनी में काम करने लगे और साथ ही साथ थिएटर ज्वाइन कर लिया जहाँ पर अमरीश पुरी जी प्ले किया करते थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमरीश पुरी को अपने करियर में पहला रोल 38 साल की उम्र में मिला था और 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी से डेब्यू किया और 10 साल तक इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ खास पहचान नहीं मिली। और फिर साल 1980 इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि इन्होंने इस साल फिल्म हम 5 में काम किया और ये फिल्म इनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। और इसी साल अमरीश पुरी ने लगभग 8 फिल्मों में काम किया, जिसके बाद ये लोगों की नजर में आ गए और फिल्मों में विलन के रोल के लिए अमरीश पुरी फर्स्ट चॉइस बन गए और हर साल कम से कम 8 से 10 फिल्मों में काम करने लगे। और इनके द्वारा फिल्म में काम किए जाने वाले फिल्मों के नाम हैं दुनिया, दादागिरी, मिस्टर इंडिया, शहंशाह, सौदागर, मैदान जंग, हलचल, गुंडा राज, घातक, कोयला, बादशाह और मुझसे शादी करोगी। दोस्तों अमरीश पुरी की लास्ट फिल्म है कृष्णा द वॉरियर पोएट, जो 2005 में आई थी। और अमरीश पुरी जी ने 1970 से लेकर 2005 तक लगभग 400 फिल्मों में काम किया। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना अमरीश पुरी जी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है और इनका कौन सा डायलॉग आपका फेवरेट डायलॉग है। बात करें इनके अवार्ड के बारे में तो दोस्तों अमरीश पुरी जी के नाम 3 फिल्मफेयर अवार्ड है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए। इसके अलावा इनके नाम और भी कई अवार्ड हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको अमरीश पुरी जी की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है लाला निहाल चंद पुरी और इनकी माँ का नाम है वेद कौर। और इनके 3 भाई भी हैं जिनका नाम है चमन पुरी और मदन पुरी, और ये दोनों भाई इनसे बड़े हैं। और इनका एक और भाई है हारिश पुरी, जो कि इनसे छोटे हैं। और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है चंद्रकांता, जो कि इनसे बड़ी हैं। बात करें इनकी पत्नी के बारे में तो दोस्तों अमरीश पुरी जी ने 1957 में उर्मिला दिवेकर से शादी की और इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। और इनके बेटे का नाम है राजीव पुरी और इनकी बेटी का नाम है नम्रता पुरी। वहीं बात करें इनके हाउस के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमरीश पुरी जी जुहू मुंबई के एक शानदार बंगलों में रहते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों अमरीश पुरी जी कार के काफ़ी शौकीन थे, जिसके चलते इनके पास कई लग्जूरियस और एक्सपेंसिव कार थी। बात करें इनके इनकम के बारे में, आखिर अमरीश पुरी जी एक फिल्म में काम करने के लिए कितने रुपए लेते थे? तो दोस्तों ये एक फिल्म में काम करने के लिए 1 करोड़ रुपये लेते थे और उस टाइम के ये हाइएस्ट पेड विलन थे। बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों जब इनका निधन हुआ था वह इनका नेटवर्थ 20 मिलियन US डॉलर था, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 148 करोड़ रुपए। तो ये थी अमरीश पुरी जी की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।